फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक फिश की करी, जिसे कहते हैं सोसे पोस्तो की फिश करी है। तो उसको बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए फिश लिया है, रोहू मछली, जिसको मैंने तल लिया था। और बहुत ज़्यादा मत तलिएगा, हल्का सा तलिएगा, ठीक है? चलिए, और क्या क्या लगता है देखते हैं। सबसे पहले नमक लगता है, नमक, प्याज कटी हुई, सोस से पोस्तो, और इसमें नारियल कद्दूकस किया। पहले नारियल को कद्दूकस कर लिया, फिर उसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, पेस्ट है ये। एक मैंने हरी मिर्च भी पेस्ट किया है, थोड़ा सा तीखा बनेगा। ये है मांगरेल, हिंदी में इसको मांगरेल कहते हैं, बंगाली लोग इसको काला जीरा कहते हैं। ये है एक मिर्ची, लाल मिर्च। ये है टमाटर का पेस्ट, एक हरी मिर्च भी इसमें पेस्ट किया। ये बहुत तीखा बनेगा थोड़ा सा, ठीक है? चलिए देखते हैं बनाते कैसे। सबसे पहले मैंने प्याज दिया है, प्याज डालने के बाद उसको हल्का सा भूनेंगे। मैंने मिर्ची भी डाल दी है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मांगरेल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। सर्दियों का टाइम है, इसको थोड़ा सा तीखा ही बनता है, और हम लोग के घर में थोड़ा सा तीखा खाया भी जाता है। लेकिन अगर बच्चे खा रहे हैं तो ज़्यादा मिर्ची मत डालिएगा। अब हम डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, जब तक इसमें तेल ना बाहर निकल आए। देखिए कुछ इस तरह से कलर आ गया है, तेल भी निकल आया है। अब हम जो है, जो फिश थी वो हम डाल देंगे। एक एक करके डालिएगा क्योंकि बहुत नरम है, और बहुत ये क्विक और इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। स्पेशली जिनकी नई नई शादी हुई है उनसे कहा जाए कि फिश बनाइए बंगालीज में, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि फिश में भी ऑलरेडी नमक है। थोड़ा सा नमक डालिएगा, जो पेस्ट बना है वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं हम, ज़्यादा मत दीजिएगा, और मिक्स कीजिए। हल्के हाथों से फिश को बनाइएगा। सोरसे पोस्तों के ये रेडी हो गया है, मेरी फिश रेडी है। और ये आप बना के ट्राई करके अपनी फैमिली को खिला के दिखाइएगा कि कैसा लगा है। और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। थैंक यू।